पहले चक्कर में ही व्हील कैप गिर गया, मतलब लखनऊ जा रहा था तभी पहला चक्कर नया नया व्हील कैप लगाया और पहले चक्कर में पिछला व्हील कैप जो है वो गिर। तो गुरु गाड़ी खाली हो गई और ये मैं निकल गया, अभी बेतिया से जस्ट बाहर निकला हूँ, नगर पालिका का पैसा रिटर्न लेके बचा। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मेरे को शर्म आ रही है, क्लीन शेव में मुझे बहुत टाइम बाद आप सब देख रहे हैं, बट चेहरा थोड़ा सा चेंज हो ये ज़रूरी है, समय के साथ हर चीज़ चेंज कर लेना चाहिए। मैं वही अपना फेस देख देख के थोड़ा सा बोर हो रहा था कि रोज़ वही बियर्ड वाली लुक। वैसे बियर्ड में मैं अच्छा लगता हूँ, बट फिर भी आज क्लीन शेव में आ गए, थोड़ा सा पतला होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, बट ठीक है यार। तो अभी आ गया अपना एक लोडिंग, अपन चल रहे लोडिंग पे, लोडिंग करने जाना है अपने को मधुपुर, और लोडिंग कहाँ का है कैसा है वो सारा कुछ चल के रास्ते में आपको बताएंगे दिखाएंगे, ठीक है। जो भी है जैसा भी है तो बने रहिए हमारे साथ। और गाड़ी पे हमने लगा दी चाबी और ये हमने कर दिया गाड़ी स्टार्ट, ठीक है। गाड़ी है गरम, हल्का एसी चालू कर देते हैं, ठीक है। अब गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे और यहाँ से गाड़ी को घुमाएंगे, घुमा के फिर निकलते हैं, तो मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु निकल के आ गया हाईवे पे और आज थोड़ा जल्दी में हूँ, जल्दी में इसलिए हूँ 4 बज गए हैं और 5:30 बजे तक मुझे पहुँचना है और जहाँ पे लोड करना है वहाँ पे, जहाँ पे क्या घोरावल जाना है वही। तो यहाँ से चल रहे हैं अपन घोरावल के लिए और भाई उबला हुआ अंडा लग रहा हूँ मैं, क्या ही कहूँ अब। खैर कैमरे में अलग, इसमें अलग दिख रहा हूँ यार, बट हाँ लुक्स को चेंज करते रहना चाहिए यार, कभी आप 4-6 महीने एक ही लुक में आप बोर हो जाते हो। लोगों का पता नहीं, मैं बोर हो जाता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा चीज़ें अलग दिखाई दे वो मेरे को अच्छा लगता है, सेम चीज़ें वही देख देख के इंसान जो है थोड़ा सा मैं खुद से ना खुश हो जाता हूँ कभी कभी। वैसे मुझे दूसरों से खुशी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा अपना जो है वो अपना खुशी है और अपनी सोच है। तो खैर अरोरा पहुँच गया मैं, चलिए यहाँ से चलते हैं फिर। तो गुरु पहुँच गया अरोरा टोल और ये भी अरोरा में है, ये और यहाँ से अभी चल रहे हैं मधुपुर और वहाँ पे लेना है मुझे तात, मतलब वो जो रस्सी आती है जिससे गोनी सिलते हैं बोरा, वो भी लेना है, लेके यहाँ से फिर जाना है। तो यहाँ से चलते हैं सीधा पहले मधुपुर मंडी में। और मौसम भाई अचानक अचानक से बदल रहा है, इधर घर के साइड मेरे मौसम एकदम खाली और फ्री था, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था इधर पॉल्यूशन जैसे कोहरा जैसे एकदम घेरा हुआ है ना वैसा लग रहा है। तो भाई आ गया मैं मधुपुर, ये मधुपुर मार्केट, यहाँ पे बारिश हो गया साइड में आप देख सकते हैं, बारिश हुआ है, मौसम अचानक मैं बता रहा था यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है। यही वाली रस्सी लेनी थी, 4 ये रस्सी ले ली, अभी जस्ट मंडी से निकला हूँ और अब यहाँ से सीधा निकलते हैं घोरावल, जहाँ पे जाना है वही पॉइंट अलग हो सकता है, मतलब जगह वही सेम है, पॉइंट अलग हो सकता है, मे बी कहीं और भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बारिश हो गया इधर, पूरा रोड देख सकते हैं गीला है, आगे मौसम है बारिश हो रहा है, मतलब अंबिकापुर साइड आप आगे बढ़ेंगे तो उधर बारिश है अभी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं फिर। तो भाई मधुपुर जैसे क्रॉस हुए कमरिया साइड में, यहाँ पे बारिश आप देख सकते हैं, इधर बारिश तो कुछ ज़्यादा ही है, इधर देखिए धूप और इधर बारिश, पूरी गाड़ी गंदी हो जाएगी अब। खैर कल तो है वैसे धनतेरस। तो गुरु ये मैं पहुंचने वाला हूँ घोरावल और 5:30 बजे ही, 5:30 बजे ही, और देख सकते हैं पूरा, मतलब कैमरे पे तो उजाला लग रहा है क्योंकि अंदर की भी लाइट मैंने जला दी इस वजह से, बट इधर देखे तो अंधेरा हो गया है और अब ठंडी, अब 4:30 बजे तक अंधेरा, 5 बजे रात, 6:30 बजे तक खाना, 7-7:30 बजे तक सो जाऊँगा, ठंडी में ये रूटीन है मेरा, 7:30 बजे तक घर रहूँगा तो सो जाऊँगा, नहीं तो अचुनार वाला अपना लोडिंग जब चालू होता है तो उसमें 7:30-8:30 बजे तक हद था लोड करके छूट जाते हैं, फिर सीधे ताजपुर। तो यही अपना रूटीन है भाई, और कोहरे में गाड़ी चलाने में धीरे धीरे चलते हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए पहले पहुँचे फटाफट, यार लेट हो गया मैं। तो ग्रुप पहुँच गया मैं लोडिंग पॉइंट पे और यहाँ पे अपना गाड़ी जो है वो लोडिंग चालू हो गया, और अभी यहाँ से लगभग कितना हो गया, 10 पहले लोड था, 20 में भी यहाँ पे है, तो 30 हो गया और अभी टाइम 6:30 ही हो रहा है,
और यार सच में क्लीन से मैं अजीब लग रहा हूँ मैं। वैसे बियर्ड रखने की आदत है, और ये लाइट लगाने की वजह से जो है यहाँ पे ये कीड़े बहुत आते हैं, ये देख रहा है, ये पूरा कीड़े जो है आ जाते हैं, और बारिश की वजह से ये पूरा गंदा हो गया। खैर कोई नहीं, तो पहले लोड करवाते हैं। तो गुरु गाड़ी मेरी हो गई लोड, एक घोरावल मंडी से मैं निकल रहा हूँ, और सामने वाली गाड़ी जो है ये भी अपने साथ जाएगी, क्योंकि दोनों लोड हुई है। सामने वाली गाड़ी भाई मनीष भैया हैं, विनय भाई गाड़ी है, ठीक है, अनिल भाई उसी में बैठे हैं, और अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। क्या बज रहा है? 8:30 में भी टाइम देखना पड़ेगा कितना बज रहा है। और बज गया, हाँ 8:26 हो रहा है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं एकदम फटाफट। गुड मॉर्निंग गुरु, महादेव तो पहुँच गया बितिया, और मैं पहुँच तो कब का गया था, लेकिन इन लोग ने इतना घुमाया आज मेरे को दो गाड़ी की वजह से। रुक ले भैया, किसी में छिपके ना यार, वो समस्या है। बाकी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, क्योंकि मंडी में सुबह सुबह हो गया भीड़, ठीक है। तो गुरु ये सुबह सुबह मैं पहुंच गया बेतिया मंडी में, आप देख सकते हैं ये सुबह मंडी की हालत है। दिवाली से मतलब धनतेरस के दिन, आज धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देख सकते हैं गाड़ी लगा दिया मैं, तिरपाल उरपाल खोल के रख दिया हूँ, ताकि एकदम ये लोग बस माल उतारना चालू कर दे, क्योंकि मैं आया था यहाँ पे 5:30 बजे आ गया था, और ये लोग इतना परेशान किए कि मैं सो भी नहीं पाया। खैर पहले खाली कराते हैं फिर मिलते हैं। तो गुरु गाड़ी खाली हो गई, और ये मैं निकल गया अभी बेतिया से, जस्ट बाहर निकला हूँ। नगर पालिका का पैसा रिटर्न लेके 50 रुपये जो वापस लेने होते हैं, वो 50 रुपये रिटर्न लेके अभी निकला हूँ जस्ट। और ये देखिए मेरे आँख में फोड़ी हो गई यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, ठीक है। और सोया आज बिल्कुल भी नहीं, सोचो 9:30 बज गया गाड़ी खाली करने में, मैं आया था 5:30 बजे, 4 घंटे मेरे वेस्ट हो गए, मैं सोया ही नहीं, एक भी नींद नहीं सोया। हल्की सी नींद आई थी, और एक भाई ने आके जगा दिया, बोलता चलो गाड़ी लगाओ, गाड़ी लगा दिया तो फिर बोलते हैं वापस लेके जाओ, फिर आना, क्योंकि मनीष भाई की गाड़ी खाली हो रही थी। हम लोग दो लोग आए थे, आपको बताया मैं आया था, और एक मनीष की गाड़ी आई थी जो पतला मिर्चा लेके आई थी, तो पहले वो खाली करना था, बाद में मेरा खाली करना था, तो ये सारा सीन था। जैसे तैसे हो गया अपना खाली, अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सूरन लोडिंग करने, ठीक है। अपन जा रहे हैं सूरन लोडिंग करने, क्योंकि कल दिवाली है, और हमारे यहाँ यूपी में पूर्वांचल में, बाकी जगहों का मेरा पता नहीं है, पूर्वांचल में ऐसा मानना है लोगों का कि दिवाली पे अगर काजल नहीं लगाओगे और सूरन की सब्जी भाजी या चोखा नहीं खाओगे तो अगला जन्म चुचुंदर का होगा। और जिस वजह से लोग दबा के सूरन एकदम रेले जा रहे हैं भाई रोज, ठीक है, जिसे बिहार में ओल कहते हैं, तो सूरन की यही कहानी है हमारे यहाँ पे। और हमें भी ज़बरदस्ती खिलाया जाता है घर वालों के द्वारा, मतलब सबके घर वालों के द्वारा, मुझे ही नहीं। सब्जी उसकी अच्छी बनती है वैसे, बट दिवाली को आपको खाना ही है, आप कुछ भी करिए आपको दिवाली को खाना पड़ेगा। तो जा रहे हैं हम आज लोड करने फिर, क्योंकि आज लास्ट डे है, इसके बाद बड़ा कम जाने लगेगा सूरन, दिवाली तक ही सूरन ज़्यादातर चलता है। तो गुरु ये मैं पहुंच गया हूँ मोतिहारी, मतलब 2.5 किलोमीटर यहाँ से सिटी है, ये कोई चौराहा है, ये मैप मुझे बता रही है बार बार कैसे जाना है, ठीक है। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, पहले तो क्योंकि मैं सुबह से भूल गया था, और अभी याद आया मुझे कि आज धनतेरस है। अभी दिन में तो मार्केट में भीड़ कम है, बट शाम को जो है वो महुआ हुआ जब मैं क्रॉस होऊंगा ना, मुझे बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख़रीदारी करने लोग आएंगे महुआ मार्केट में, और मैं वहीं से निकल रहा रहूँगा, और उसके बाद हाजीपुर में तो खासकर उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट पूरा अंदर है। पटना वटना में ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए लोग जाएंगे, रोड्स तो खाली होनी चाहिए, बट देखते हैं, मेरे हिसाब से रोड खाली होना चाहिए, बाकी भगवान जाने, ठीक है। चलिए पहले यहाँ से चलते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर। तो भाई मैं आ गया अभी मुजफ्फरपुर से आगे, नवलपुर जगह है, यहाँ पे अपना खाना आ गया है, ये है बटर पनीर मसाला, हाँ बटर पनीर मसाला है, रोटी और बाकी दाल चावल अभी मंगाया मैंने, हाँ वही आ रहा है। और
क्योंकि मेरे को भूख लगी है सुबह से, और सुबह मैंने सिर्फ लिट्टी खाई थी मंडी में, क्योंकि कैमरा गाड़ी के अंदर था और जो है तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी खाना खाने की भूख लगी है, मेरे को खाने की क्रेविंग जब होती है ना बहुत गंदे वाली होती है, तो कुछ मैं तब से ढूंढ रहा था कुछ अच्छा मिल जाए खाने को, तो यहाँ पे आया तो ये कुछ अच्छा मिल गया, ठीक है। ये आपका है? आप नहीं। अच्छा, ये भैया का ही है रेस्टोरेंट। आपका शुभ नाम भैया? रितेश रंजन। और भैया संजोग से? अच्छा, कार बाजार उधर आपका ही है। अच्छा अच्छा, तो ये सब्सक्राइबर भी निकल गए, वीडियो देखते हैं, गाड़ी देख के तब अंदर आए, और इन्हीं का होटल भी है। खैर चलिए, खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी। भाई खाना खा लिए, खाना खा के मैं निकल रहा हूँ, और वो है गाड़ी। खाना खाया तो खाया यार, बट लास्ट में थोड़ा सा मूड गिरगिरा हो गया, उनके चावल में जो है कीड़ा आ गया। तो चलिए बड़े भाई, चलते हैं, ठीक है, फिर आते हैं तो मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, दो ही रोटी खाया यार, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब पैसे को मैं खाने के लिए पैसे का कभी वैल्यू वो नहीं करता, खाना खाना होता है, पैसा पैसा, खाने से पैसे की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आप खाना खा सकते हैं पैसा नहीं। बट पता नहीं क्यों, पहले जब से नॉनवेज छोड़ा है मैंने, 2 साल धीरे धीरे होने आया, मेरे को कुछ भी दिख जाए खाने पीने में, मेरा मन थोड़ा वो हो जाता है, जिस वजह से मैं सब बंद कर देता हूँ खाना पीना, मतलब वहाँ पे तो मेरे को नहीं अच्छा लगा यार पर्सनली। हाइजीन का इन्होंने मेंटेन करा ही नहीं है, और खाने को तो कुछ भी खा जाए लेकिन खाने में कीड़ा अगर आपको दिख जाए, आप प्योर वेजिटेरियन हो चुके हो, तो अच्छा नहीं लगता। तो जिस वजह से मैंने छोड़ दिया खाना, और आधे पे खाना छोड़ के चले आया, ठीक है। खैर कोई नहीं, चलिए अब लोडिंग पॉइंट पर चलते हैं फिर मिलते। तो गुरु अभी मैं गाड़ी अपनी लोड हो गई, सूरन और अंधेरे में है पूरा, मतलब हल्का हल्का उजाला है, गांव में हूँ मैं, और यहाँ पे गाड़ी जो है अपनी हो गई है लोड, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अब देखिए मुझे कछवा जाना है, पहाड़ियाँ जाना है, कुछ कंफर्म नहीं है, वहाँ बोरा को रख दिए हैं। तो गुरु पहुँच गया महुआ, और ये देख सकते हैं ट्रैफिक, क्योंकि बाजार जो है वो भरा हुआ है एकदम, सोने चांदी की दुकानों पर भीड़ है, लोग अपने धनतेरस के दिन लोग अपना अपना ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई सोना खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है, और मेरे जैसे लोग झाड़ू खरीद रहे हैं, ठीक है। अरे बढ़ा लो भैया, ठीक, हमारे जैसे लोग हैं जो झाड़ू खरीद के घर लेके जा रहे हैं, और कुछ नहीं। और चाचा का थोड़ा सा लगता है बीवी के साथ कुछ, मतलब चाची के साथ कुछ पर्सनल मैटर है, वो तो सीधा एकदम बर्तन रखने वाला खरीद के लेके जा रहे हैं। आई वाज किडिंग गाइस, मेरी आँख सूज गई है राइट वाली। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। गुड मॉर्निंग गुरु, महादेव। तो सुबह के बज रहे हैं 6, और मैं हूँ अभी पहाड़िया मंडी में, गाड़ी अपनी खाली हो गई। टोटो वाले अंकल मैं आपको देख रहा हूँ, आप हटाओ, मेरे को गाड़ी निकालनी है, बाइक में ठुके ना? नहीं नहीं ठुकेगी। तो गुरु अपनी गाड़ी जो है देख सकते हैं हो गई खाली, मैं आया था मंडी में तकरीबन 3 बजे आ गया था, बड़ा खींच के आया, 3 बजे आया, और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ मंडी से बाहर सीधा, ठीक है भाई। पहुँच गया था अदलाहाट, और रुका था नारियल पानी पीने के लिए, और ये भी मिल गया सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग प्रदीप भैया, मेरे को बोल रहा है कैमरे में, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ घर, क्योंकि मेरे को लग रहा है नींद, जाके मैं सीधा सो जाऊंगा, फिर जब उठूंगा जैसा भी होगा जो भी होगा, क्योंकि लोडिंग अगर शाम को मे भी रहा आज, तो आज लोडिंग कर लेंगे, क्योंकि कल से बंद कर देंगे लोडिंग, कल परसों, उसके बाद एक दो दिन तक, मतलब एक दो, अब लोडिंग का कुछ नहीं बता सकता मैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि इसके बाद 5 को टिकट भी है, तो देखते हैं। तो चलिए पहले यहाँ चलते हैं फिर मिलते हैं। तो गुरु मैं तो आ गया था घर पे, बाल बाल देख रहे हैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बनवाना है, और इतना खुजली हो रहा है बाल में मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये व्हील कैप आगे वाले में है, पीछे वाला गिर गया, और ये मैं बताना भूल गया था, मैं लखनऊ वाले ट्रिप में आपको दिखाया था, तो पहले चक्कर में ही व्हील कैप गिर गया, मतलब लखनऊ जा रहा था तभी पहला चक्कर नया नया व्हील कैप लगाया, और पहले चक्कर में पिछला व्हील कैप जो है वो गिर गया, अगला व्हील कैप बचा है, तो 250 रुपये जो है नुकसान हो गए, क्योंकि 500 में दोनों थे, ठीक है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, व्हील कैप गिर गया तो गिर गया, और कुछ कर सकते नहीं हैं हम, ठीक है।
अभी हवा ग्रीस आज कराना है, हवा ग्रीस करा के अब दीपावली पहले एक को है कि 31 को है, इस वीडियो पर कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि दिवाली कब है, एक को है 31 को। वैसे मैं आज ताजपुर जा रहा हूँ, कल है तो भी मैं आ जाऊँगा 3-4-5 बजे तक घर, गाड़ी वाड़ी धो के सब जो है अपना जो भी है जैसा भी है देखेंगे, ठीक है। तो भाड़ा मैं बता देता हूँ, ये दोनों ट्रिप का भाड़ा जो मुझे लगा था, एक तो पता ही है 14,500, एक साइड का लगा था मेरे को सूरन का 7,000, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।